गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास, दिस इज योर जीके बुक और आज हम लोग जीके में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। आपके 4 चैप्टर का नाम है वर्ल्ड ऑफ स्पाइसेस। क्या है आपके 4 चैप्टर का नाम? वर्ल्ड ऑफ स्पाइसेस। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोग यहाँ पे आज की डेट मेंशन कर दीजिए। आज डेट है 21/6/21। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना 4th चैप्टर वर्ल्ड ऑफ स्पाइसेस। सबसे पहले हम टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। वर्ल्ड ऑफ स्पाइसेस, स्पाइसेस का मीनिंग आप लोग समझते होंगे। स्पाइसेस मतलब होता है मसाले। क्या होता है? मसाले। तो वर्ल्ड ऑफ स्पाइसेस आज के समय में या पहले या बहुत ही पहले की अगर जब से हमारा वर्ल्ड स्टार्ट हुआ, हमारी दुनिया स्टार्ट हुई है, तब से क्या होता है, स्पाइसेस का यूज होता है। स्पाइसेस हमारे फूड का, हमारी बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि स्पाइस से ही जो स्पाइस है, आप पता है जो स्पाइसेस हैं उनका यूज हम मेडिसिन में भी करते हैं। मेडिसिन में भी, इनफैक्ट जितने भी आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं उन सब में इसका यूज किया जाता है, स्पाइसेस का यूज किया जाता है, मसालों का यूज किया जाता है। तो अगर हम अपने खानों में स्पाइसेस डालते हैं, मसाले डालते हैं, तो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे भी होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जो टर्मरिक, ये जो आपका हल्दी है, उसको इंग्लिश में टर्मरिक कहते हैं। जैसे कि अगर आपको चोट लग जाए, आपको चोट लग जाता है, अगर आप उस पर हल्दी डालते हैं तो क्या होता है, आपका जो चोट है वो जल्द से जल्द सही हो जाता है। जैसे ही मान लीजिए आपको कोल्ड हो गया, आपको जुकाम हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, दूध में हल्दी डाल के पियेंगे, तो वो भी आपका एक किस तरह काम करेगा, एक मेडिसिन की तरह काम करेगा। और आपको एक मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक, इसको हम कहते हैं ब्लैक पेपर। क्या कहते हैं? ब्लैक पेपर। और हिंदी में क्या कहते हैं हम इसे? काली मिर्च। क्या कहते हैं इसे? काली मिर्च। तो आपको पता है हमारा जो इंडिया है वहाँ पे ब्लैक पेपर को बहुत ही इम्पोर्टेंसी दी जाती है। इनफैक्ट दूसरे कंट्री के, अलग अलग देशों के लोग भी ब्लैक पेपर को खरीदने के लिए कहाँ आते थे? इंडिया आते थे। और आपको पता है कि वो लोग ब्लैक पेपर को किस नाम से जानते थे? वो लोग ब्लैक पेपर को ब्लैक गोल्ड के नाम से बुलाते थे, उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट था ये ब्लैक पेपर। तो और भी बहुत, जितने भी यहाँ पे आप जितने भी स्पाइसेस देख रहे हैं, और इंडिया एक ऐसा जगह है, एक ऐसा देश है जहाँ पे आपको हर टाइप के स्पाइसेस बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे केरला, आप केरला चले जाइए, वहाँ पे आपको इलायची, दालचीनी, चिली, लौंग, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही इजी तरीके से और अच्छी क्वालिटी में मिलेगी। मतलब कि जो इंडिया है वो दूसरे देशों को क्या करता है, स्पाइस भेजता है, क्योंकि हमारे इंडिया में स्पाइस बहुत ही अच्छी क्वालिटी और बहुत ही अलग अलग टाइप की क्या होते हैं, स्पाइसेस होते हैं। ओके, तो चलिए अब थोड़ा हम लोग स्टडी कर लेते हैं अपने 4th चैप्टर का। स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स, यहाँ पे कॉन्डिमेंट्स का मतलब क्या है? कॉन्डिमेंट्स उन स्पाइसेस को कहते हैं जिनको हम प्रिजर्व करके रखते हैं। प्रिजर्व मतलब मैं आपको एग्जाम्पल, टमाटो, जो आपका केचप होता है, टमाटो सॉस होता है, केचप होता है, वो क्या है आपका? कॉन्डिमेंटल फूड है। मतलब कि जैसे कि आपने फूड बना लिया, आपने खाना बना लिया, और आपको उसको और टेस्टी बनाना, और यमी बनाना, तो हम किसका यूज करते हैं? कॉन्डिमेंट्स का यूज करें, जिसमें आपका केचप आ गया, सोया सॉस आ गया, मेयोनीज आ गई, ये सब क्या होते हैं आपके? कॉन्डिमेंट्स। तो अब आप समझ गए कॉन्डिमेंट्स किसे कहते हैं, वो सारी स्पाइसी जिसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं, मतलब जिसको हम फूड में एक्स्ट्रा मिलाते हैं फॉर टेस्ट के लिए, ठीक है। तो स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स आर प्लांट प्रोडक्ट्स दैट आर यूज्ड टू फ्लेवर फूड और प्रिजर्व देम। तो हम लोग स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स जो प्रोडक्ट होते हैं वो किसके प्रोडक्ट होते हैं, कहाँ से आते हैं? बिल्कुल प्लांट से। अगर आप केचप ही ले लीजिए, स्पाइसेस तो आपके सब प्लांट से आते हैं। अगर आप कॉन्डिमेंट्स फूड की ही बात करें, अगर हम कॉन्डिमेंट फूड्स की बात करें, तो जो आपके टमाटो है, आपका सोया सॉस है, ये सब किससे आता है? ये सब भी आपके प्लांट से आते हैं। बस होता क्या है कि आप इसको प्रिजर्व करके
रख लेते हैं बॉटल में या आपको जिसमें भी रखना हो, जार में जिसमें रखना हो उसमें आप रख सकते हैं। तो ये स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स जो होते हैं, कॉन्डिमेंट्स जो होते हैं वो किसके पार्ट होते हैं, किसके प्रोडक्ट्स होते हैं, प्लांट के प्रोडक्ट्स होते हैं। हम खाने में इसका यूज़ क्यों करते हैं? फॉर फ्लेवरिंग, मतलब एक अच्छे टेस्ट के लिए, और प्रिजर्व, मतलब खाने को लॉन्ग टाइम तक बचा के रख सके, इसलिए हम इन स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप कि आप ये समझ गई होंगी कि इसमें क्या बताने की कोशिश की गई। अब मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बताती हूँ। जैसे है क्वेश्चन, कैन यू नेम दीज स्पाइसेस, क्या आप इन स्पाइसेस का नाम बता सकते हैं? यस, बिल्कुल बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जितने भी स्पाइसेस यहाँ पे दिखाए गए हैं वो हमारे घर में क्या होता है, यूज होते हैं। तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने इसमें, अगर आप कुछ ऐसी चीजें जो ना देखा हो, बट कुछ तो ऐसी स्पाइसेस जो आपने अपने घर पे पक्का ही देखा होगा। ठीक है, तो सबसे पहला आप पिक्चर देख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कार्डिमम। क्या कहते हैं? कार्डिमम। कार्डिमम मतलब इलायची। क्या होता है? कार्डिमम मतलब इलायची। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे आप कार्डिमम। कार्डिमम मतलब, मैं आपको इसकी मीनिंग अलग से सेंड करूंगी, ठीक है, और आप लोग मीनिंग भी इसकी लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग हिंदी में मीनिंग भी लिखेंगे इसका। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका कार्डिमम। कार्डिमम मतलब इलायची। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट, ये जो देख रहे हैं आप, हम लोग इसका यूज किसके लिए कर रहे हैं? तड़के के लिए। जैसे कि आपके घर में दाल बनाए, सब्जी बनाते, सबसे पहले आप यही डालते हैं। तो ये क्या है आपका? ये है आपका क्यूम। क्या क्या है आपका? तो क्या है आपका? ये है क्यूमन। क्या कहते हैं? क्यूमन। क्यूमन मतलब होता है जीरा। क्या होता है? जीरा। नेक्स्ट है आपका थर्ड, इसको हम कहते हैं टर्मरिक। टर्मरिक क्या कहते हैं हम इसको? टर्मरिक। टर्मरिक थर्ड। टर्मरिक, टर्मरिक को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? हल्दी। क्या कहते हैं? हल्दी। तो हल्दी का यूज हम आप लोग देखते हो ना, कि आप जब सब्जी बनाते हैं, आपकी मदर जब सब्जी बनाती है या आप बाहर से सब्जी लेके आते हो, तो उसमें एक येलो कलर होता है। तो किस कारण होता है? वो आपके टर्मरिक के कारण, तो हल्दी के कारण। तो और मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि आपको चोट लग जाए, अगर आपको कोल्ड हो जाए, तो आप किसका यूज कर सकते हो? टर्मरिक का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका ब्लैक पेपर। क्या है आपका? ब्लैक पेपर। और हाँ, मैं ये सारे जो ये जो स्पाइसीज है वो लेके भी आई हूँ आप लोगों के लिए। ये देखिए, ये जो है, ये क्या है आपका? कार्डिमम। क्या है ये आपका? कार्डिमम। देखिए, कार्डिमम ऐसा होता है, सेम ऐसा ही है ना, ये है आपका कार्डिमम। ठीक है, नेक्स्ट, ये वाला मेरे पास, मैं लेके नहीं आई, मैं इसको लाना भूल गई। नेक्स्ट है टर्मरिक। ये आप लोगों सबके घर में होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा टर्मरिक को। नहीं देखा हो तो आप ये दोनों स्पाइसेस, कौन सा? एक आपका क्यूमन, आप क्यूमन अपनी मदर को बोलना, वो आपको दिखा देंगी, एंड टर्मरिक, हल्दी। पहले जो हल्दी होता है ना, आपको पता है जो हल्दी होता है वो ग्राउंड के नीचे, मतलब जमीन के नीचे निकलता है। ठीक है, उसको निकाला जाता है, अरबी का शेप होता है ना, सेम उसी टाइप का आपका टर्मरिक का भी शेप होता है। उसको क्या किया जाता है? तो सुखाया जाता है, उसके बाद उसको पीसा जाता है, हमारे पास क्या आता है? पाउडर आता है। और बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है, या विलेजेस में ऐसा होता है, कि लोग पूरा टर्मरिक, मतलब अपने आप उसको पीसते हैं। ठीक है, वो पाउडर नहीं बनाते हैं, वो अपने खेतों से लेके आते हैं इस शेप में, और उसको क्या करते हैं? उसको पीसते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्लैक पेपर। तो ये देखिए, ये है आपका ब्लैक पेपर। मैंने आपको बताया कि बाहर के देश के लोग ये जो ब्लैक पेपर है, इंडिया का जो ब्लैक पेपर है, उसको ब्लैक गोल्ड के भी नाम से बुलाते थे, क्योंकि वो जो बाहर के देश के लोग थे, इसे ये सोना मानते थे। क्यों? क्योंकि जो आपका ब्लैक पेपर है, ये फूड के साथ साथ आपके मेडिसिन में भी क्या करता है? आपकी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये है आपका ब्लैक पेपर। ठीक, फोर्थ है आपका ब्लैक पेपर, एंड फिफ्थ है आपका सीनामोन। क्या है? सीनामोन। ये देखिए, मैं लेके भी आई हूँ सीनामोन। ये देखिए,
ठीक है, ये क्या है आपका, सीना मोन, क्या है, सीना मोन, तो ये इस टाइप का आपका क्या है, सीना मोन, ठीक। तो सीनामोन, सीनामोन को क्या कहते हैं हिंदी में, इसको कहते हैं दालचीनी, क्या कहते हैं, दालचीनी, क्या कहते हैं, दालचीनी। तो सीनामोन मतलब दालचीनी। नेक्स्ट है आपका क्लोव, क्या है, क्लोव, क्लोव मतलब होता है आपका लौंग, मैं लौंग लेके आई हूँ, ये देखिए, देख रहे हैं ना, क्या है आपका, लौंग, ठीक। सेवेंथ है आपका सैफ्रॉन, सैफ्रॉन मतलब, सैफ्रॉन मतलब होता है केसर, क्या होता है, सैफ्रॉन मींस केसर। एंड लास्ट आपका है चिली, तो सेवेंथ हमारा क्या हो गया, सैफ्रॉन, और एट्थ हमारा क्या हो गया, चिली, और सिक्स हमारा हो गया, तो आपका ये एट्थ क्या है, चिली। तो चिली सबके घर में होगा, नहीं हो अपनी मम्मा को बोला, वो आपको दिखा देंगे। तो ये क्या है आपकी, रेड चिली, ठीक है। आप जो घर में चिली का यूज करते हो पाउडर, इसी चिली को क्या कर किया जाता है, पीस दिया जाता है, तब जाके वो पाउडर बनता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, चिली। तो मैंने आप, आई होप कि मैंने जितना भी आपको पढ़ाया आपके समझ में आ गया होगा। दोबारा से मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ कि ये कौन कौन से स्पाइसेस यहाँ पे दी गए हैं। ये है आपका कार्डिमम, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपका क्यूमन, थर्ड है आपका टर्मरिक, फोर्थ है आपका ब्लैक पेपर, फिफ्थ है आपका सीनामोन, सिक्स है आपका, सिक्स क्या है आपका, क्लोव, फोर्थ है आपका सैफ्रॉन, और एट है आपका चिलीज, क्या है आपका, चिलीज। तो आई होप कि आप ये चैप्टर समझ गए होंगे, दोबारा से इसे समझिए, और अपनी मम्मा को बोलना कि आपको यहाँ पे जितने भी स्पाइसेस हैं उसको आपको लाइव दिखाए, मतलब आपके घर में होगा। आपको पता है अभी जो कोविड हुआ था तो उसमें हमें काढ़ा पीने के लिए कहा था ना, काढ़ा पीने के, तो उसमें हम क्या क्या यूज करते थे, उसमें हम लोग इलायची का भी यूज करते थे, काली मिर्च का भी यूज करते थे, और दालचीनी का भी यूज करते थे, लौंग का भी यूज करते थे, और भी उसमें बहुत सारे स्पाइसेस हम लोग डालते थे, ठीक है, ओके।